समझता नहीं भाई, ये पीछे आ रहा, हर पीछे आ रहा। तू एक लो दूसरे को हर बिना उनको दे दिया। मुझे एक मिनट रुको, हर 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 बिना आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब्दुल समद बागवान साहब, जो औरंगाबाद के एक जाने माने सोशल वर्कर है, जो बहुत सालों से कौम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एक मन बनाया है कि मैं क्यों ना गब्बर एक्शन कमेटी ज्वाइन करूं। हमारे जिला अध्यक्ष हसन शाह साहब से उन्होंने कल एक मीटिंग लिए थे और मीटिंग लेने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, शाह साहब ने हमारे जिला अध्यक्ष, कि अब्दुल समद साहब जो है तो वो अपने गब्बर एक्शन कमेटी से जुड़ना चाह रहे हैं। मैंने तुरंत हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब से गुफ्तगू की, उनको फोन लगाया। अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब का यही कहना था कि जो कौम की खिदमत और आवाम की खिदमत करना चाहता है, ऐसे लोगों को हम क्यों ना हमारे पास लेके इस्तकबाल करें। तो हमने आज अध्यक्ष साहब की निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में हमने ये एक आदेश लिया उनसे कि अब्दुल समद बागवान साहब को औरंगाबाद जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अब्दुल समद बागवान साहब को पूरे औरंगाबाद जिले की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये कौम की और शहर की कैसी मदद करेंगे, और ये करेंगे जरूर, क्योंकि ये कई सालों से करते आ रहे हैं। हम यही खुशहाली का इजहार उनके साथ करते हैं। सामने देखो कहीं बात नहीं, तो समझ लो सबसे पहले तमाम को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह तबरक ताला का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबरक ताला ने कौम की खिदमत के लिए इस कमेटी के अंदर मुझे शामिल किया, और मैं इन तमाम इस कमेटी के तमाम मेम्बरान का, जैसे हमारे इकबाल अंसारी साहब, हमारे हसन भाई शाह साहब और मकसूद अंसारी साहब और हमारे हाफिज़ अली साहब, इन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम कमेटी के मेम्बरान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए कबूल नहीं किया, बल्कि एक पद भी देकर मुझे इस खिदमत के लिए एक पद से नवाजा, जैसे ज़िला शहर उपाध्यक्ष जो चुना मुझे, मैं इनका तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह तबरक तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि कौम की खिदमत के लिए जो मुझे चुना गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह तबरक तआला से मैं ये उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस शहर के वासियों के लिए मुझे कबूल फरमाए, और जैसा ये कमेटी रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में और बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हर वक्त लोगों की, पब्लिक की सेवा के लिए खड़ी हुई रहती है, तो अल्लाह ऐसा इन जैसा काम, इनके जैसा काम के लिए अल्लाह मुझे भी चुन ले और मुझे भी अल्लाह वैसा करने की तौफीक अता फरमाए। बस यही अल्लाह से मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आने वाले वक्त में मेरे से भरपूर
कौम की और खिदमत लेवे और पब्लिक की सेवा मुझसे होवे, यही अल्लाह से मुझे आशा है। अब तक आपने जो काम किए हैं किसी पार्टी में नहीं रहते करे, तो क्या काम थे जो आपने करे और जो आप इसमें जुड़कर क्या करना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे काम थे जो हम छुपकर करते थे, जिसका हम इजहार किसी से नहीं करते थे, लेकिन हाफिज अली साहब, हमारे हसन शाह साहब, इन्होंने बोले कि कब तक छुप के रहोगे और कब तक अकेले तना तना काम करते रहोगे, मिल के काम करो, मिल के काम करोगे तो ताकत भी बनेगी और सामने वाला जो नई काम करने वाला है, जैसे नगर पालिका से काम मनवाने का और जो काम गब्बर एक्शन कमेटी लेती है, और हकीकत में वो गब्बर ही है, तमाम के तमाम लोग जो काम म्युनिसिपल कमिश्नर से और कलेक्टर साहब से और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से और न जाने बड़े बड़े अधिकारियों से जो काम हमारे पद पे रहने वाले लोग नहीं ले सकते, वो काम गब्बर एक्शन कमेटी लेती है, इसलिए मैंने इस कमेटी को चुना है और आज इंशाअल्लाह मैं इनके साथ खुलकर काम करने का आपके सामने अहद करता हूँ और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूँ। आपका नाम बताइएगा? मेरा नाम अब्दुल समद बागवान। आपको क्या पद मिला आज? आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन तमाम गब्बर कमेटी के मेंबरान ने जिला उपाध्यक्ष की पद से नवाजा है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।